कर्मयोगी अवार्ड हम लोगों ने यहाँ पर 4 साल पहले शुरू किया, लेकिन उससे पहले हमने 2010 में मुंबई में वन इंडिया अवार्ड शुरू किया। ये वन क्या है? ONE, ये तो BSNL भी वन इंडिया कहता है, लेकिन माय होम इंडिया का जो वन है ये अवर नॉर्थ ईस्ट, इन तीन शब्दों का पहला अक्षर आप उठाते हैं तो वो वन हो जाता है। और इसलिए अवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज वन इंडिया, इस भावना से जिसने अपनी सारा जीवन नॉर्थ ईस्ट के लिए लगाया, ऐसे किसी भी एक व्यक्ति को हम मुंबई में हमने अवार्ड देना शुरू किया। और मुझे आज आपको बताने के लिए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पहला अवार्ड जिस नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति को हमने दिया, वो एक महान व्यक्ति आज इस सभागार में उपस्थित है, आपके पहली कतार में बैठे हुए श्री पियोंग तेमजेन जमीर जी यहां पर आपके सामने हैं। देखिए किस तरह से एक एक व्यक्ति का हमने चुनाव किया है अवार्ड देने के लिए। पियोंग तेमजेन जमीर जी ने, जो महात्मा गांधी जी के अनुयायी थे, भक्त थे, नागालैंड ने सबसे पहले बताया कि उसमें कुछ विद्रोही खड़े हो रहे, हम हिंदुस्तान में नहीं आएंगे। 1947 में भारत स्वाधीन हुआ, नागालैंड ने कहा कि हम भारत में नहीं रहेंगे। नागालैंड ने मतलब नागालैंड में कुछ मुट्ठी भर लोगों ने कहा, लेकिन भारत के ऊपर इतना प्रेम नागालैंड का था, गांधी जी के ऊपर इतना प्रेम नागालैंड का था कि नागालैंड में गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद में 7 दिन तक सारे मार्केट्स बंद रहे, लोगों ने दुकान भी नहीं खोले, व्यवसाय नहीं किया दुख के कारण। आज जो नागालैंड की स्थिति इतने सालों से हुई है, स्वाधीनता के समय पियोंग तेमजेन जमीर जी जैसे लोग थे जिन्होंने सोचा नहीं, भारत में ही नागालैंड रहेगा, और अगर सारा भारत नागालैंड से और नागालैंड सारे भारत से अगर जुड़ना है तो भाषा जोड़ सकती है और हिंदी भाषा नागालैंड के लोगों को आनी चाहिए, ये एकमात्र व्रत लेकर सारा जीवन चलने वाले, आज उनकी उम्र 82 वर्ष हो गई है लेकिन हिंदी पढ़ाना उन्होंने छोड़ा नहीं है। मेरा आप सबसे निवेदन है, जिंदगी में एक बार नॉर्थ ईस्ट जाइए, और नॉर्थ ईस्ट जाना मतलब सिक्किम जाकर आए तो नॉर्थ ईस्ट गए ऐसा नहीं है, और गुवाहाटी जाकर आए तो नॉर्थ ईस्ट गए ऐसा नहीं है, सिर्फ चेरापूंजी जाकर आए मतलब नॉर्थ ईस्ट गए ऐसा नहीं है। मणिपुर जाइए, कोहिमा जाइए, इम्फाल जाइए, इम्फाल से आगे और मोरे बॉर्डर तक जाइए, तब आपको पता चलेगा नॉर्थ ईस्ट में जाने का आनंद क्या आनंद है। आप जाइए मिजोरम, मिजोरम में सिर्फ आइजोल मत जाइए, आइजोल से और 100 किलोमीटर आगे लुंगले चले जाइए, तब आपको पता चलेगा नॉर्थ ईस्ट का आनंद क्या होता है। त्रिपुरा आइए कभी, त्रिपुरा जाएंगे तो सिर्फ अगरतला जाकर नहीं चलेगा, आपको अंदर जाकर जब तक जम्पुई हिल में आप नहीं जाएंगे आपको नॉर्थ ईस्ट की पीड़ा समझ में नहीं आएगी।